हेलो व्यूअर्स, आपको एक बार फिर स्वागत है आईएस किचन में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजू अय्यर। आज हम एक साउथ इंडियन रेसिपी बनाएंगे जो रवा केसरी के नाम से जाना जाता है। ये एक स्वीट डिश है एंड दिस इज समवेयर कंपेरेबल टू महाराष्ट्र में जो हम शीरा बनाते हैं और नॉर्थ में हम जो सूजी का हलवा बनाते हैं, तो उसका साथ में आप इसी को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग से ही है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिश विच इज़ मेड इन ऑल द फेस्टिवल्स और साउथ इंडियन वेडिंग में इसे परोसा भी जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं रवा केसरी। केसरी बनाने के लिए हमने एक पैन चढ़ा दिया है गैस में। अब उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। एक मेजरमेंट हमने रवा लिया है, इसको हम इसमें डाल के अभी रोस्ट करके लेंगे। रवा थोड़ा ब्राउनिश होने तक हम उसे रोस्ट करके लेंगे। रोस्ट होने के बाद रवा को हमें पकाना भी ज़रूरी है। कुक करने के लिए हम 4 मिश्रण यहाँ पे पानी और दूध का मिश्रण लिया है, जिसमें ये जो हमने लिया था मेजरमेंट उसमें से 2 मिश्र दूध है और 2 मिश्र पानी है। और एक रंग लाने के लिए हमने उसमें सैफ्रन भी डाला है, यानी कि हमने उसमें केसर डाला है। नॉर्मली बहुत जगह में इसमें फूड कलर्स यूज़ करते हैं केसर का कलर, लेकिन हम यहाँ सैफ्रन यूज़ किया है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप देख सकते हैं कि रवा अच्छा रोस्ट हो चुका है, ये रोस्ट का अरोमा भी अच्छा से आ रहा है। इस वक्त हम इसमें एक पानी और दूध का मिश्रण डालेंगे। मैंने यहाँ दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके लिया है ताकि रवा जल्दी थोड़ा पक जाए। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप ये दूध और पानी का मिश्रण इसमें डालेंगे तो ज़रा संभाल के इसमें डालना है, क्योंकि तवा पैन पहले से ही गर्म है और रवा भी गर्म है, तो उसमें आप डालने से जो उसका स्टीम निकलता है वो थोड़ा हाथ में लगने का चांसेस है। इसके लिए थोड़ा संभाल के इसे आपको डालना है। अब हम इसे चलाते रहेंगे थोड़ा देर के लिए, जब तक सूजी अच्छी तरह से पक जाए। पकने के बाद हम इसमें अभी स्वीट के लिए शुगर इसमें ऐड करेंगे। शुगर भी हमने यहाँ 1 मेजरमेंट लिया है, तो अभी आप मेजरमेंट को फिर से सुन लीजिए। जो मेजरमेंट में आप रवा या सूजी लेते हैं वही मेजरमेंट का 4 गुना पानी, या पानी के साथ हमने दूध यहाँ पे डाला है तो मतलब 2 गुना पानी और 2 गुना दूध और 1 मेजर शुगर हमने लिया है, यही इसका प्रपोर्शन है। अभी आप देख सकते हैं कि पानी पूरा रवा ने अब्सॉर्ब कर लिया है और रवा भी पक चुका है, तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे ये शुगर। शुगर डालने से थोड़ा एक फिर से पानी छूटेगा। हम इसको फिर से चलाते रहेंगे जब तक शक्कर रवा के साथ अच्छा से घुल मिल ना हो जाए। अभी आप देखेंगे कि शुगर मिलाने के बाद फिर से ये रवा जो है वो गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी।
घी डालने के बाद इसको फिर से अच्छा से हम मिला लेंगे। इसके बाद थोड़ा एक दो मिनट चलाने के बाद इसमें हम गार्निशिंग थोड़ा हम कर देंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पैन से देखिए एक केसरी छूट रहा है, इसका मतलब ये पूरा पक चुका है और जो भी हमने इसमें डाला था सब अच्छा से मिलजुल चुका है। तो हम अभी गैस को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अभी इसमें हम फ्लेवरिंग के डालेंगे, यहाँ पे इलायची का पाउडर करीब एक डेढ़ चम्मच, इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग लाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तीन चार ड्रॉप पाइनएप्पल का एसेंस। इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। अब यहाँ हमने एक पैन लिया है, उसमें घी गरम करके गरने के लिए रखा है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू। काजू अच्छी तरह हम थोड़ा ब्राउन होने के लिए देंगे। ब्राउन होने के बाद इसमें हम गार्निशिंग करके लेंगे। अभी हम इसमें काजू को गार्निश करके मिला देंगे। बस अभी देखिए आपका रवा केसरी बिल्कुल तैयार खाने के लिए है। एकदम मज़ेदार डिश है और इसका कलर भी देखिए। अब यहाँ देखिए हमने रवा केसरी को इस तरफ यहाँ पे प्लेटिंग करके लिया है। दिखने में बहुत खूबसूरत और उतना ही स्वादिष्ट। इसमें हमने पाइनएप्पल एसेंस डाला था फ्लेवर के लिए। अगर आप नहीं चाहते हैं या आपके पास पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो आप इलायची डालकर भी इसे बना सकते हैं, उससे भी बढ़िया बनता है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा साउथ इंडियन टाइप का रवा केसरी कैसे हमने बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे। तो पसंद करेंगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले बार और एक चटपटा डिश लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।